लगता है बाहर से आए हुए हैं। भाई हमारे देश में दुनिया में हर महीने की पहली तारीख पे बिजली नहीं आती, इसलिए तो 100 मंजिला इमारत है सोई पड़ी हुई है। हाँ ये तो चले गए, हम कैसे जाएं? ये लिफ्ट के लिए जनरेटर क्यों नहीं है? ये तो भगवान जाने। भगवान कौन? भगवान 100 मंजिला इमारत के चेयरमैन है भगवान। देखो भाई जाना तो पड़ेगा, कुरियर से जो हमको चाबियां मिली है फ्लैट की उसे मैं ऊपर पहुंचा के अपना अपना फ्लैट खोलेंगे, सामने मेज पे जो दस्तावेज रखे हैं उसको सिग्नेचर करेंगे, सामने वकील साहब को यहाँ देना है। अगर हम शाम तक नहीं पहुंचे तो प्रॉपर्टी हमारे परिवार के ट्रस्ट में चली जाएगी और हम हवा खाते रह जाएंगे। लेकिन यसी वाला क्या अजीब वसीयत लिखी है, मगर चलो कल इसे बेचकर ऐश करेंगे। अस्थि उतना ज़्यादा भी नहीं है, मैं तो स्कूल में फुटबॉल चैंपियन था, याद है ना? अरे मैं भी तो अपने टाइम में लगातार जिले में 4 बार वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुका हूँ। चलो चलते हैं। देखो बीच पे आ गए, कितने दिन बाद एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ। देखो अभी तो पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में तो 20 मारे तो पहुंच जाएंगे। चलो चलो चलो। पहलवान तो पहलवान ही रहेगा ना, पहले 1 घंटे में चढ़ते थे अब 2 घंटे लगेंगे, हमें शाम तक का वक्त है, आराम से चढ़ जाएंगे। हाँ भाई सही कह रहे हो। चलो भाई 20वीं मंजिल आ गई आप लोग। मेरे भूखे मार से इंडिया, पहले की बात और थी, तब मैं इंडिया से इमेजिनिया तक दौड़ के आया था पिताजी के साथ, न्यूज़पेपर में फोटो छपी थी, अब यार वो ये विटामिन की नई गोली, 3 मिनट में थकान गायब, साइंस ने भी कितना कमाल कर दिया है। ये देखो ना इतनी बड़ी बिल्डिंग, मानो हिमालय, मानो चांद पे पहुंच गए। मेरी बेटी पूछी थी 80वीं वाले से शाम को हाथ लगा सकते क्या, मैंने कहा यार एक बार फ्लैट अपने नाम पे जाने दे, फिर देख। फिर चलो सीधे अमेरिका, नासा को खटा खैर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ दे के अपनी फैमिली को पूरे चांद की सैर करा के देख लो। घोड़ी बड़ी साजिश है, मजा आ गया। बस इसके बाद बोझ हल्का करना बहुत जरूरी है, रात तक लिफ्ट चालू होने वाले नहीं है। आपके पास जो भी अनावश्यक चीज है मेरे घर पे छोड़ो, बाहर हल्का करो। धन्यवाद अंकल, कोई भारी बोझ नहीं है, थोड़ा सा पानी खाने का सामान और कपड़े हैं, चढ़ जाएंगे। फैसला आपका, मैं होता बोझ हल्का करके चला जाए। कमाल है ना गोली का, थकान एकदम गायब ना। हाँ यार 5 दिन भी नहीं हुए और थकान गायब, जय हो गोली बनाने वाले की। चलो, चलो भाई आधा रास्ता हो गया। आधा रास्ता तो 50वीं मंजिल पे होगा, अपने जीवन के 100 साल की तरह बिल्डिंग में 100 मंजिले है। हमको क्या मालूम क्या बात कर रहे हैं, जबरदस्ती 20 में उछल रहे हो। 40 के बाद में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। पागल गई का गुस्सा एनर्जी को वेस्ट करता है। तुम्हारी गोली का भी वही हाल है, उस वक्त तो बड़ा मजा आया, सारा पसीना लत धो रहा है, सारी ताकत वही जा रही है, कितनी वाहियात चीज है। कमीज तो कमीज और पूरा कोट तक गिरा हो चुका है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। चलो गहरी सांस लेते हैं, सुना है प्राणायाम में बहुत ताकत है, उससे शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। चलो चलो। कुछ खा पी लेते हैं यार, शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए।
शक्कर और नमक की मात्रा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि तो हमको 40 माले चढ़ने हैं। आराम से जा सके। ऐसे हमेशा साफ सुथरा करके चलते हैं, उससे पांव थकते नहीं है। अब सीधा अपने फ्लैट पे रुकेंगे। ठीक है ठीक है। एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैं तो बचपन का व्यायाम काम आ रहा है, मैं प्राणायाम काम आ रहा है, विटामिन की गोली काम आ रही है, फिर इतने थक चुके हैं अब कुछ नहीं पा रहे। मेरे भी छाले पड़ गए हैं, जूतों से चलना भी मुश्किल है, तो चढ़ तो कैसे पाएंगे? ऐसे करते हैं, जूतों कहीं छोड़ देते हैं। याद रखना, लौटते हुए हमको वापस साठे माले से हमारे जूते और बैग सामान वापस लेके जाना है। यार लौटते वक्त तो हम करोड़पति हो गए, जूते चप्पल के लिए कौन रुकेगा? मैं सब सुन रहा था, 60 के बाद में आप बदलाव लाए, बोझ कम किया, आपके पुराने जूते छोड़े, पुरानी चाल छोड़ी। अभिनंदन, मुबारक। 60 साल के बाद जितना हो सके उतना बोझ कम ही करना चाहिए। लोग और यहाँ के फ्लैट सब एक जैसे ही क्यों दिखते, पता नहीं चलता। देखा जाए तो सब एक जैसे ही होते हैं दुनिया। यार भाड़ में जाए फ्लैट, मुझे नहीं लेना है फ्लैट। मेरा अहमदाबाद का ही फ्लैट अच्छा है, मुझसे अब एक इंच भी चला नहीं जाएगा, नहीं चला जाएगा। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, बस अब 15 ही माले की बात हो रहा है, थोड़ी हिम्मत रखो, हम पहुंच ही जाएंगे। मिठाई का एक डिब्बा है जो मेरी वाइफ ने दिया था, फ्लैट में जाके सबसे पहले भगवान को अर्पण करना, तो सबसे पहले भगवान को हम अर्पण करेंगे। देखो भगवान तो दिल देते हैं ना, तो क्यों ना आप यहीं से भगवान को फिराए। बात तो सही है, चलो चलो सही करते हैं। चलो हाँ, जय हो प्रभु, जय हो। दो का एक थिलाई बना देते हैं। यार आज तक मेरे पिताजी ने मेरी स्कूल के फीस के अलावा और मुझे कुछ नहीं दिया, और आज दिया, वो भी 80 मंजिल पर फ्लैट दिया, जहाँ जिंदा पहुंचना भी आज बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे पिताजी इतनी पिटाई, इतना जुल्म, एक नंबर के राक्षस थे। नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो साक्षात ईश्वर थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अंकल सच कहते थे, जीवन में जितना बोझ कम हो उतना ही अच्छा है। यार इसमें क्या है? ये पद्धतियां आने के लिए नहीं सिलवाई थी, इसे उतारनी पड़ेगी, वरना मेरे पांव यहाँ से छिल जाएंगे। अब चला नहीं जा रहा है बेटा, अब नहीं चला जा रहा, पर शाम को तो हमको फ्लैट में पहुंचना है। हाँ, अब कोई बात नहीं, हाँ चढ़ जाएंगे, अब हम पहुंच जाएंगे। कब चलेंगे? आ गए भाई, आ गए, आ गए, पहुंच गए, पहुंच गए। आपके पिताजी का वकील और आपका पड़ोसी।
मैंने कुरियर से आप दोनों को चाबी भेजी थी, वो अपनी अपनी चाबी से अपना अपना फ्लैट खोलो, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करो और मेरे पास चले आओ घर पे, फ्लैट आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चाबी, चाबी कोट, कोट तो नीचे रह गया, चाबी भी उसमें थी। हम कोई मेहरबानी कीजिए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान तो समस्या की चाबी भेजता है, अगर चाबी खो जाए तो भगवान कुछ नहीं कर सकता।